दोस्तों कैसे आप लोग, मैं दुर्गेश जायसवाल, मेरे YouTube चैनल ई-लर्निंग में दुर्गेश में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने सुना भी होगा और आपको अगर अभी ज्ञात नहीं हुआ होगा तो जान लीजिएगा, रेलवे ने लगभग 35,000 पदों की एक बड़ी सौगात दी है। उस सौगात के लिए हम रेलवे की ऑनलाइन क्लासेज और ऑफलाइन क्लासेज दोनों प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन यह क्लासेज पूरी तरह से अमित सर के द्वारा संचालित की जाएगी और जिसमें जीएस का पार्ट कुछ हिस्सा हम पढ़ाएंगे, बाकी हिस्से के लिए अलग अलग टीचर, अलग अलग विषय के अलग अलग स्पेशलिस्ट टीचर पढ़ाएंगे, जिसमें सबसे अहम रोल इस बार है गणित और रीजनिंग का, गणित रीजनिंग और साथ ही साथ जनरल स्टडी का। तो जनरल अवेयरनेस में कई चीज़ें जुड़ी आती हैं, लेकिन मैथमेटिक्स और रीजनिंग यहाँ से आपके नंबर सॉलिड एकदम फैक्ट मिलते हैं जो सिलेक्शन के आपको और नज़दीक करते हैं। जबकि चयन होने के लिए जनरल अवेयरनेस एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे सबको समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये खुद ही महासागर है। ठीक, इसकी गहराई तक को ज्ञात करना, इसकी गहराई तक पहुँचना सबकी मुश्किल की बात है, लेकिन मैथमेटिक्स रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है और सिलेक्शन का पैमाना जीएस होगा, माने इन सभी के जोड़ से, इन सभी के योग से हम सफलता के नज़दीक पहुंच सकते हैं। और यह परीक्षा दो चरणों में आयोजित होगी और यह ऑनलाइन क्लासेज और ऑफलाइन क्लासेज कल महाशिवरात्रि से इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से संचालित इसे 11 तारीख से की जाएगी। लेकिन उसके पहले से ही, मतलब 5 तारीख से ही आपको लगभग क्लासेज मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जबकि संपूर्ण क्लासेज या पूरी कक्षाएं आपको 11 तारीख से मिलेंगे प्रारंभ होगी। लेकिन कल शिवरात्रि का दिन है और हम चाहते हैं इस संस्था की इस वैकेंसी का जो शुभारंभ करे वो महादेव का नाम लेकर शुरू करे, और आप जानते हैं महादेव का नाम लेकर शुरू किया गया काम और बेहतर ढंग से हो सकता है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद रहेगा तो हम आप जरूर सफल हो जाएंगे, बाकी तो महादेव जाने। लेकिन अगर हम आप लोग मेहनत से अगर करेंगे तो हम सब जल्दी कामयाब हो जाएंगे। उसके लिए अमित सर मैथमेटिक्स रीजनिंग का पार्ट लेकर आपके साथ आएंगे और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि यह बेहतर पढ़ाएंगे, और सबसे बड़ी बात आपको समझ में आना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो समझ में भी आएगा। इसलिए यह क्लासेज कल से, कल मंडे माने शिवरात्रि दिन है और शिवरात्रि के दिन से ही ये प्रारंभ कर दिया जाएगा, और कारण यह है कि महादेव का दिन है और ये वर्ष में एक बार आता है और रेलवे की वैकेंसी भी आपके लिए आई है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर के नाम महादेव के साथ इसकी प्रारंभ की जाए ताकि आपको भी सफलता महादेव के आशीर्वाद से मिले। और हम सब चाहते हैं कि हमसे जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति सफल हो, अंतिम रूप से चयनित हो। इसकी परीक्षाएँ दो चरणों में आयोजित होंगी और यह अभी प्रथम चरण के लिए इस विकल्प को खोल रहे हैं, बाकी आप टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन करके या फेसबुक पे ई-लर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन करके विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और क्लासेस शुरू होंगी। बाकी चीज़ें सिलेबस अमित सर बताएंगे, जीएस जब हम पढ़ाने आएंगे तब आपको जीएस का सिलेबस बताएंगे, लेकिन अभी बाकी चीज़ें अमित सर से सुनिएगा, अमित सर की जीवानी, क्योंकि यह इसकी बागडोर इनके हाथ में रहेगी, बाकी कक्षा के संचालन यही करेंगे हम, बीच बीच में आपके बीच आते रहेंगे और अमित सर आपको गाइड करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे आप लोग, और सब बढ़िया है? ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसा कि अभी दुर्गेश सर ने बताया कि अभी हम आप लोगों को रेलवे का पूरा सिलेबस, उसमें क्या है, कितने पोस्ट हैं, ग्रेजुएशन के लिए कितना है, इंटर के लिए कितना है, क्या पढ़ना है, कितने एग्ज़ाम होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। तो रेलवे ने NTPC नॉन पॉपुलर टेक्निकल कैटेगरी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में वैकेंसी निकाला हुआ है, 35,277 पोस्ट हैं। कितने? 35,277 पोस्ट हैं, जिसमें से 10,611 पोस्ट वो 10+2 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो रिमेंड पोस्ट है 24,666 पोस्ट, उसमें ग्रेजुएशन और इंटर, सॉरी ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ क्या है कि 10+2 वाले तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ग्रेजुएशन भी आ सकते हैं, ग्रेजुएशन के लोग भी यहाँ आ सकते हैं, इसके कैंडिडेट भी यहाँ आ सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बता दिया कि 10+2 के लिए कितना है, 10,611, और ग्रेजुएशन के लिए कितना है, 24,666। टोटल वैकेंसी कितनी है, 35,277। तो आगे हम जानेंगे क्या हमको करना है, कैसे क्या जानना है। देखिए दोस्तों, इनमें क्या होगा कि दो चरण में एग्जाम होगा, एक होगा CBT 1 और दूसरा होगा CBT 2।
तो पहले हम चर्चा करेंगे सीबीटी वन के बारे में। तो सीबीटी वन में जो इसका एग्जाम होगा वो तीन चरणों में हो, मतलब सीबीटी वन में जो पार्ट होंगे वो तीन पार्ट होंगे। पहला पार्ट जीएस का होगा, दूसरा मैथ्स का होगा और तीसरा रीजनिंग का होगा। जीएस में कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स में कितने आएंगे? 30। और रीजनिंग में कितने आएंगे? 30। टोटल कितने हुए? 100। और टाइम क्या है इसकी? 90 मिनट। यानी 90 मिनट में हमको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और क्या क्या है? जीएस 40 क्वेश्चन है, मैथ 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग 30 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को मैथ्स के बारे में बताएं, क्योंकि स्पेशली हम आप लोगों को मैथ्स पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो हम आप लोगों को मैथ्स के बारे में बताते हैं क्या पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन आता है, और बाकी जीएस दुर्गेश सर बताएंगे कैसे पढ़ाना है उनको, क्या क्या पढ़ाना है और कौन पढ़ाएगा वो दुर्गेश सर जानेंगे। हम आपको मैथ्स के बारे में बताते हैं, तो चलिए जानते हैं मैथ्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। बाकी सीबीटी टू का भी हम जान लेंगे थोड़ा। देखिए सीबीटी टू में क्या है कि 35 क्वेश्चन मैथ्स का होगा और 35 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा और बाकी 50 क्वेश्चन जीएस का होगा। टोटल क्वेश्चन होंगे 120 और टाइमिंग वही, टाइम वही 90 मिनट, 90 मिनट है। यहां भी 90 मिनट और यहां भी 90 मिनट, लेकिन ये सीबीटी टू, तो सबसे पहले हम सीबीटी वन क्रॉस करेंगे तभी तो हम सीबीटी टू के पास जा पाएंगे। तो हमारा काम है कि पहले हम सीबीटी वन को क्लियर करें और साथ ही साथ मैथ्स ऐसा पढ़ लें कि हमको सीबीटी टू में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। हम आपको इस तरीके से मैथ्स पढ़ा देंगे कि सीबीटी टू जैसे ही देंगे लगेगा यार या तो ये तो हमने सब पढ़ा हुआ है, पहले ही पढ़ लिया है। तो हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे, तो बताते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। सीबीटी वन और हम जानेंगे मैथ्स, मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हम जानेंगे पहला पार्ट इसका जो है वो अर्थमेटिक यानी अंकगणित का है। अंकगणित, अब जानेंगे अंकगणित क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो अंकगणित में सबसे पहले हमको पढ़ना है एवरेज यानी औसत। पहला चैप्टर पढ़ना है एवरेज, दूसरा चैप्टर हमको पढ़ना है प्रतिशतता, परसेंटेज, इसके बाद हमको पढ़ना है तीसरा लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद हमको पढ़ना है ब्याज, इंटरेस्ट। अब देखिए ब्याज जैसे ही हम पढ़ेंगे तो ब्याज में हमको दो चीज पढ़ना है, पहला साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज में दो पार्ट हुआ। इसके बाद हमको पढ़ना है अनुपात समानुपात, दिख रहा है ना? ठीक ओके, आगे हमको पढ़ना है अनुपात समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। इसके बाद अगला चैप्टर हमको पढ़ना है भिन्न, इसी में है दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। इसके बाद हमको पढ़ना है HCF एवं LCM। ये इतना हमको अंक गणित में पढ़ना है। एक चैप्टर और है चाल समय काम समय, चाल समय दूरी, दूसरा है काम समय,
जैसे हम काम समय पढ़ लेते हैं तो एक चैप्टर आता है नल एवं टंकी, तो साथ में उसको भी पढ़ लेंगे, नल एवं टंकी। नल एवं टंकी तो इतना हमको अंक गणित में पढ़ना है, जो कि पहला यूनिट है, मैथ्स का पहला यूनिट है। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जैसे जैसे हमने सिलेबस लिखा हुआ है हम आपको वैसे ही पढ़ाएंगे क्रम से। सबसे पहले पढ़ाएंगे औसत, इसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, भिन्न, डेसिमल भिन्न, इसके बाद SCF, LCM, स्पीड टाइम डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टर्न, नल एवं टंकी। इसके बाद हमको पढ़ना है जो अगला यूनिट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो अगला यूनिट है वो है मेंसुरेशन का। अगला यूनिट है मेंसुरेशन का, तो हमको मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है, जो दूसरा यूनिट है मैथ का वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, जिसको कहते हैं क्षेत्रमिति, चलिए लिख देता हूं, क्षेत्रमिति। अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है, इसमें दो प्रकार से पढ़ना होता है, एक हमको पढ़ना आता है 2D और दूसरा पढ़ना होता है 3D। एक 2D और दूसरा 3D। अब 2D में क्या क्या आता है, 2D में सबसे पहले आता है त्रिभुज, चतुर्भुज। अब देखिए जैसे हम चतुर्भुज पढ़ेंगे तो चतुर्भुज में ही 4-5 पार्ट, और ये रेलवे का भी लोको पायलट हुआ था प्रियोमेंस, सब में इसके 1 से 2 प्रश्न आए हुए थे। तो पहला हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल आयत, दूसरा पढ़ेंगे वर्ग, तीसरा पढ़ेंगे सम चतुर्भुज, अगला समांतर चतुर्भुज, अगला है समलंब चतुर्भुज। तो ये हमको चतुर्भुज में पढ़ना है, जैसे हम त्रिभुज चतुर्भुज पढ़ेंगे साथ ही हम पढ़ लेंगे खटभुज या षटभुज। अगला टॉपिक है पहला, दूसरा, ये तीसरा हम पढ़ लेंगे खटभुज। 3D में आते हैं, सॉरी अभी इसमें रह गया है वृत्त, वृत्त रह गया है, वृत्त भी पढ़ाएंगे इसी में। इसके बाद 3D, तो 3D में हमको पढ़ना है पहला बेलन, शंकु, गोला। है तो बहुत, लेकिन हमको देखिए जो रेलवे ने नोटिफिकेशन दिया है उसमें जो सिलेबस दिया है उन्होंने केवल नाम लिख दिया है मेंसुरेशन, लेकिन मेंसुरेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको डिटेल वाइज बता रहा हूं, एकदम हूबहू पढ़ाऊंगा, एक भी इधर से उधर नहीं। हमने 2D लिखा है तो 2D में जो लिखा है सेम पढ़ाएंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा। त्रिभुज पढ़ाएंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज में पांचों चतुर्भुज पढ़ाएंगे, खटभुज पढ़ाएंगे, वृत्त पढ़ाएंगे, 3D में बेलन, शंकु, गोला। इसके बाद हमको जो पढ़ना है वो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है ज्यामिति, ज्योमेट्री। ज्यामिति ज्योमेट्री ज्योमेट्री में हमको क्या पढ़ना है, जो पहला है कोण पढ़ना है, रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल, और सामान्यतः तो यही पढ़ना है एक ही, क्योंकि बाकी सारा हमने अभी इसके पहले मेंसुरेशन में उसका जिक्र कर दिया है, तो हमको सब पढ़ना है वही मैं पढ़ा दूंगा। रेखा एवं कोण पढ़ना है, थोड़ा सा आता है इसी में कि शेडेड एरिया,
वो भी इसी में बता दिया जाएगा। इसके बाद जो अगली यूनिट है वो है ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति और अगला है सामान्य त्रिकोणमिति बोला है तो सामान्य त्रिकोणमिति जनरल सामान्य पढ़ाया जाएगा। बहुत हाई लेवल का नहीं आता है, आता है लो लेवल, बहुत हाई नहीं। इसके बाद हमको पढ़ना है सामान्य सांख्यिकी स्टैटिक्स। स्टैटिक्स सांख्यिकी तो हमको पांच यूनिट में करके पूरा पढ़ना है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारा साथ देते हैं तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपको 3 महीने के अंदर पूरा मैथ का मास्टर बना दूंगा। मास्टर मास्टर मैथ का पूरा मास्टर बना दूंगा। आप लोग खुद बोलने लगेंगे कि हाँ हमको कैसे सिखाया मिस्र ने। तो ठीक है दोस्तों, ये है मैथ। रीजनिंग आपको मैं बता दूंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जब मैथ पढ़ाता रहूंगा मैं लाइव क्लास, कल से आप लोगों की लाइव क्लास होगी। कल शिवरात्रि का दिन है, महादेव का दिन है, कल से आपको पढ़ाया जाएगा। जो है लाइव क्लास मैं करूंगा और टाइम आपको दुर्गेश सर टेलीग्राम ऐप पर बता देंगे। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, उस पर दुर्गेश सर सर्च करिएगा। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, उसमें आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा और वहां आपको पूरा सूचना मिल जाएगा कि लाइव क्लास कब से कब रहेगी। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद। लेकिन आप एक काम करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार आप लोग रेलवे में जॉब पाने से छूटे नहीं। ओके, थैंक यू, शेयर कर दीजिएगा।